उधर मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुन पाएंगे। वहीं एनपीएस का लाभ पाने वाले कर्मचारियों के पास भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प रहेगा। वहीं राज्य सरकार भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपना सकती है। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 years। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, डिड यू इंप्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम एज प्रॉमिस्ड इन द हिमाचल इलेक्शन? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझे आप? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। केंद्र सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है उसे लेकर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के मांग के दबाव में सरकार ने ऐसा फैसला किया है। वहीं पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों के चुनावों को देखते हुए सरकार ने यह ऐलान पहले न करके अब किया है। कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले को लेकर हमला बोला। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर यह तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। अब इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार ने केवल 240 सीट जीती हैं, तो इनको समझ में आ गया कि भैया 23 लाख केंद्र के जो कर्मचारी उनके लिए एक स्कीम लानी पड़ेगी जिसमें रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी खासी रकम हर महीने मिले। जब देश में चुनाव चल रहे हों तब आप कोई योजना ला रहे हैं, भले वो हमारे बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, पर आप पहले भी तो ला सकते थे। जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो दो हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लाइज को पेंशन मिलनी चाहिए, और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए।